नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। सवेरे के 5 बजे हम निकल रहे हैं लखनऊ और कुछ काम अर्जेंट आ गया था गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन का टाइम हो चुका है इसलिए जल्दी जा रहे प्लेटफॉर्म 1 पे। और ये जंक्शन है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये है, लगभग 1 किलोमीटर ज़्यादा है ये। ठीक है, चलिए आपको लखनऊ का सैर कराते हैं। सवेरे ट्रेन जाती है इंटरसिटी गोरखपुर लखनऊ 5:45 पर, उसी ट्रेन में हमारी रिजर्वेशन है। दीपक इधर से आ जाओ। देखिए मॉर्निंग में जाए तब भी भीड़ ऐसा नहीं है, लोग सोए हुए ज़मीन पे। और प्लेटफॉर्म नंबर पे हम आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाती है, पहले प्लेटफॉर्म 1 से जाता था लेकिन इस समय जो है और प्लेटफॉर्म 1 जाता है। और मैंने टिकट करा रखा था ना 2S का, मतलब सेकंड क्लास का, और मेरा टिकट जो है फ्री में अपग्रेड हो गया है AC चेयर कार के अंदर। खुशी की बात है। पेमेंट करिए 200 रुपये का और ट्रेवल करिए 7-6-500 रुपये टिकट वाले में। ठीक है, तो देखिए इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चल रही है, एकदम राइट टाइम ट्रेन चलती है। 5:45 खुल जाएगा। 5:30 हो रहा, हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। देखिए ये, ठीक है दोस्तों, देखिए गोरखपुर टू लखनऊ। देखिए ये AC बोगी है और मुझे कंफर्मेशन मिल गया इस बोगी के अंदर। चलो अंदर। AC चेयर कार में टिकट मिल गया क्योंकि मैंने बुक किया था 2S का, लेकिन फ्री ऑटो अपग्रेड होता है वो मेरा हो चुका है इसलिए मैं अपना सीट लेके बैठ चुका हूँ। ट्रेन चल चुकी है और हम कुछ दूर पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं राप्ती पुल पड़ता है गोरखपुर, जैसे क्रॉस करेंगे आप ना तो आपको ये राप्ती पुल क्रॉस करेंगे। देखिए ये पानी घट चुका है एकदम, क्योंकि ठंडी का मौसम है और अच्छा लगता है जब आप चेयर कार में चले, क्योंकि पेमेंट मैंने किया मात्र जो है। ट्रेन चल रही है और हम लोग ट्रेन के अंदर है। देखिए मास्क में पहन रखा हूँ क्योंकि जब ट्रेन में चलिए ना इस समय मास्क जरूर पहनिए। और देखिए ये सजना ट्रेन निकल चुकी है और ये खिड़की है यार। 2 क्लास का टिकट मैंने लिया हुआ था और रेलवे में फीचर होता है ऑटो अपग्रेड, उस पर आप टिक मार कर देंगे ना तो आपका टिकट जो है उसी प्राइस के अंदर ऑटो अपग्रेड हो जाएगा, जो कि स्लीपर से मुझको मिल चुका है AC के अंदर। देखिए पूरा डब्बा ही चेयर कार का लुक ऐसे होता है गोरखपुर टू लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन के अंदर। और साफ सुथरा ट्रेन है, अच्छा लगा। बस्ती रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और ट्रेन यहाँ खड़ी है और कुछ ही देर में ट्रेन यहाँ से चल देगी। तो जहाँ जहाँ रुक रहे हैं वहाँ वहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए ट्रेन चल दी हमारी बस्ती रेलवे स्टेशन से। और देखिए यहाँ पे वॉइस ओवर डालना पड़ा कि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाता है कि आप में रिकॉर्डिंग मत करिए, तो बैक साइड में रिकॉर्डिंग लिया। और ये आपको एक नॉलेजेबल वीडियो है कि अगर आप भी गोरखपुर से लखनऊ जाना चाहते हैं तो ट्रेन की सुविधा अच्छी है और वहाँ पर साफ़ सुथरा जगह दिया हुआ है। हमें भी अच्छा लगता है कि हमें जब, और दूसरा क्या ना, मुझे अगर बाइक से बोलिए, मुझे कार से बोलिए, मुझे पसंद आता है कि मैं भी ट्रेन से सफ़र करूँ। और देखिए किस तरीके से लोग मेंटेन करते हैं पटरी को, या मजदूर लगे मॉर्निंग के लगभग कोई आपके 8:30 बजे होंगे और ड्यूटी पर लग चुके हैं, ये पटरी को हमेशा लोग मेंटेन करते रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक सुपरवाइज़र है और वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करो और किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, देखिए पत्थर को हटाते हैं, कहीं कुछ डिस्टर्बेंस लगता है उसको सही कर देते हैं। तो हमारे भारतीय कर्मचारी कह सकता हूँ, भारतीय मजदूर कह सकता हूँ, बहुत मेहनती होते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाते हैं, देखिए किस तरीके से कि हाथ कैसे चल रहा है उनका, दिख रहा है आपको ना। देखिए ये लोग पत्थर को हटा रहे हैं, फिर मतलब सब सेटिंग करते हैं, अच्छा लगता है। और ये हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारी खेती करते हैं, जब खेल से घूमेंगे हमारे भारत के अंदर सबको दिखेगा कि क्या अच्छा है क्या है बुरा है। अगर हिंदुस्तान को आपको सफ़र जानना अच्छे तरीके तो आप ट्रेन के सफ़र करिए, मुझे लगता है कि आप पूरा इंडिया को जान जाएंगे इंडिया कैसे दिखता है, क्योंकि हमारी भारतीय रेल जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और इंडिया में खैर मशहूर है ही। और पूरे मतलब भारत को देखना आपको है तो ट्रेन की जर्नी कर लीजिए, मतलब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी निकाल लीजिए, पूरा देखेंगे। पुल पड़ता है रास्ते में, विलेज है और सारी चीज़ें देखिए ठीक है। ठीक, तो ट्रेन में देख लीजिए पूरा पूरा लोग बैठे हुए हैं। पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने चाह नहीं है किसी का फेस आ जाए। और देखिए ये हम लोग सफ़र कर रहे हैं और सफ़र मेरे साथ आप भी करते रहिए। और लखनऊ तक की जर्नी मैं आपको करवा रहा हूँ गोरखपुर से वाया ट्रेन। और देखिए अगर वाई रोड आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर फैजाबाद अयोध्या का दर्शन करने मिलेगा, लेकिन बाई ट्रेन आपको अयोध्या और फैजाबाद नहीं पड़ता, आपको गोंडा के रास्ते जाना होता है। ठीक है, देखिए
ये देखिए भाई, और आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख कर समझ सकते हैं कि हम लोग अब लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में आपको बड़ी बिल्डिंग देखने मिलेगी, कम मिलेगा, लेकिन लखनऊ के अंदर ये गगनचुंबी इमारतें जो है लखनऊ के अंदर ही है। तो ये आपको एक इंडिकेटर है कि आप लखनऊ में एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए वीडियो को मैं कट कट के एडिट कर रहा हूँ कि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, क्योंकि 5.5 घंटे का सफ़र है तो हो नहीं पाता। तो जितना हो सका मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और मैं बाद में वॉइस ओवर करके आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से लुक दिखता है गोरखपुर टू लखनऊ जर्नी 5.5 घंटे में कवर कर सकते हैं। हम चले हैं गोरखपुर से 5:45 पर, और टाइमिंग दिखा रहा है ट्रेन हमारा जो है कि 11:05 पे 4 बजे से मोटा मोटा लेट, ट्रेन अभी आधा घंटा लेट हो चुका है। ठीक है, हम एक काम है हजरतगंज के अंदर, तो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम बादशाह नगर जो इनका रेलवे स्टेशन वहाँ उतरेंगे, और उसके बाद जो है जहाँ हमको जाना है वहाँ से हम मेट्रो ले लेंगे, और मेट्रो के माध्यम से हम हजरतगंज जाएंगे। बादशाह नगर सुना कि मेट्रो वहाँ डायरेक्ट नहीं जाता है। देखिए ब्रिज पड़ रहा है, क्योंकि लखनऊ में जो है ना बहुत काम होता है, चाहे किसी की सरकार हो, हर सरकार ने यहाँ पर काम करवाया, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और खूबसूरत शहर है, लोगों की धड़कने हैं। तो मुझे लगता है कि खाने की वैरायटी बहुत अच्छी मिलती है लखनऊ, चलते हैं कुछ खाने का मौका मिलेगा तो सब खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आप क्या खा सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम और बस होगा, वो हम वहाँ रुकेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारी ट्रेन जो है और हमारे डेस्टिनेशन पर जहाँ हमको जाना है ना वहाँ पहुँच चुकी है, बादशाह नगर है इसका, हट चुका, हमको यहीं उतरना है और हम यहीं उतरेंगे और फिर अपने डेस्टिनेशन में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो लखनऊ के बादशाह नगर पे हम उतरने जा रहे हैं, ट्रेन यहाँ रुकी है। हम लोग उतर गए हैं लखनऊ के बादशाह नगर में और ट्रेन देखिए चल रही है हमारे पीछे पीछे, अभी जा रही है 4 बाग। चलिए लखनऊ पहुँचते हैं, एकदम तो लखनऊ पहुँच गए हैं और ये बादशाह नगर रेलवे स्टेशन है। ठीक है दोस्तों, हमको जाना है हजरतगंज। अब ये देख लीजिए ट्रेन हमारी चल रही है, ट्रेन निकल चुकी है 4 बजे के लिए, अभी 15 मिनट में जो है 4 बजे पहुंच जाएगा इसको, 4 बजे लखनऊ में उतरना हो 4 बजे उतर जाएंगे। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के बाहर का माहौल है, ये भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि पब्लिक सफर करती है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए हम मेट्रो लखनऊ मेट्रो बादशाह नगर से जा रहा है बाई मेट्रो और हमको जाना है हजरतगंज। तो मैंने पूछा कि हजरतगंज जाने क्या, वही पर हमें काम है, ऑटो मिल जाए आपको, रिजर्व को जा सकते हैं या मेट्रो पर के, आपको 4 बजे जाना हो या बादशाह नगर जाना हो तो आप मेट्रो से जा सकते हैं, टोकन लेंगे। तो मैंने पता कर लिया और हम सफ़र कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया था लेकिन लखनऊ मेट्रो में कभी मैं सफ़र नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला हो कि लखनऊ मेट्रो में सफ़र करूँ मैं, तो हजरतगंज नया लिया हुआ और डेफिनेट जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर सफर करने के लिए। हम लोग को जाना है यहाँ से, रिकॉर्डिंग हमने टोकन लेने बनाया हुआ है, क्योंकि मेट्रो में क्या होता है ना आपको टोकन मिलता है, पेमेंट करते हैं 20 रुपीज़ है बादशाह नगर से लेकर के हजरतगंज तक के लिए। तो हमने पूछ लिया कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मेट्रो आएगी, उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के लिए मेट्रो आ जाएगी। देखिए मेट्रो आ चुकी है, लाइट मेट्रो को दिल्ली में जो होता है ना वो 6 डब्बे का मेट्रो होता है और यहाँ पर जो मेट्रो 4 डब्बे का मेट्रो है। हम पकड़ हैं मेट्रो बादशाह नगर से हजरतगंज के लिए, मेट्रो का ये है और हमारे गोरखपुर में मेट्रो आने वाला है। हमारे तैयार हो चुका है और लगता है कुछ सालों के अंदर में गोरखपुर मेट्रो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेट्रो का लुक है, इसलिए अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो आपको लगेगा कि ये बादशाह नगर से मतलब 4-5 स्टेशन आगे जाना है हजरतगंज, फुल एसी है और 20 रुपये मतलब मेरे ख्याल से महंगा नहीं है, क्योंकि ऑटो वाले भी सामने इतना कोरोना का टाइम चल रहा है, इतना भीड़ रहता है और उससे बच चलना होता है। देखिए ये रोड के ऊपर एक पुल टैक बना होता है, पुल के ऊपर ही आप जो है यहाँ से सफर कर सकते थे, और बाहर लुकआउट जैसे दिख रहा है कि मकान है, बिल्डिंग है, सारी चीज़ें हैं और देख लीजिए। ठीक है, तो मतलब पुल होता है, कहीं कहीं ये ज़मीन के अंदर भी चलता है मेट्रो चलता है और कहीं ज़मीन के ऊपर भी चलता है। रास्ते में जो भी प्लेटफॉर्म पड़ते हैं, दोनों साइड प्लेटफॉर्म होते हैं, आपको जो उधर से मेट्रो आती है उस साइड से आती हैं और इस साइड से आती हैं। ठीक है, ये गोमती फ्रंट देखते हैं ना जो यहाँ काम हो रहा था, ये गोमती नदी और गोमती फ्रंट यहाँ बन रहा है। तो मतलब वन बाय वन स्टेप करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा कुछ कवर कर सकूँ, ज़्यादा कुछ दिखा सकूँ। ठीक है दोस्तों, ये है, हम उतर चुके हैं मेट्रो से और नीचे और अब चलेंगे, मतलब हजरतगंज स्टेशन आ चुका है। तो मतलब मेट्रो से पहले सफ़र कर रहा था, मुझे आइडिया था नहीं, तो पूछ पूछ के जा रहा हूँ मैं। और ठीक है दोस्तों, हम लोग लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पे हैं और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है जगह ये लखनऊ हजरतगंज। देखिए मतलब कह सकते हैं कि लखनऊ का दिल है ये हजरतगंज, चौराहे की जगह घुमाता हूँ आपको मैं, देखिए पूरा। अब वो चल रहे हैं, जल्दी आ गया यार मेट्रो तो, हाँ पहले घूम आ जाए दूसरा रास्ता, हाँ नहीं नहीं सीधा तो आया, पूछने में टाइम चला गया ना। अच्छा
एक रास्ते आज लोग खाए थे समनो दुबारा होने लखनऊ के हजरतगंज में हम लोग हैं और देख सकते हैं कि मतलब कि ये लखनऊ का पॉश एरिया है। देख सकते हैं ब्रांडेड ब्रांडेड शोरूम यहाँ पर है, राजा राम कुमार प्लाजा, तेज कुमार प्लाजा, होटल लेवाना, ये सारी चीज़ देखिए एकदम। एडिडास का शोरूम यहाँ पे दिख जाएगा आपको और भीम अम्बेडकर चौराहा भी साथ में पीछे, यहाँ देखिए ये स्वर्गीय लाल जी टंडन जी का मूर्ति भी पीछे है और देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि भाव कह सकते हैं आप, मल्टी लेवल पार्किंग भी यहीं पर है और ये लखनऊ के जैसे जान कहेंगे तो कम नहीं होगा। खूबसूरत जगह है और ये मैं नोटिस किया हूँ कि यहाँ पर ना खाने की वैरायटी बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग भी खाए हुए हैं, छोले कुलचे मिल गया, फिर उसका चाट पापड़ी, मतलब टेस्ट यहाँ खाने की। लखनऊ के अंदर आपको आना हो और खाना खाना चाहते हैं तो आप आइए लखनऊ के हजरतगंज के अंदर और यहाँ पर आपको वैरायटी वैरायटी खाने को मिलेंगी। तो देखिए मोती महल सारी चीज़ें मतलब आसपास में ही हैं, मतलब ब्रांडेड एकदम टोटल ऑल टू ऑल। हम लोग भी हैं गोरखपुर चल लखनऊ आए हुए हैं और अच्छा जगह है ये, मुझे पसंद आया। ठीक दोस्तों देखिए पूरा आपकी लखनऊ का पॉश एरिया हजरतगंज, सब ब्रांडेड ब्रांडेड शोरूम आपको मिलेंगे देखने के लिए। पढ़िए नाम मैं दिखा रहा हूँ, कैमरे को मोड़ रहा हूँ, बर्गर किंग यहाँ पर है और बहुत सारे लोग शाम को एंजॉय करने के लिए आते हैं इस प्लेस के अंदर। हम लोग भी दिन में मौका मिला घूम रहे हैं यहाँ पर, वाजिद हुसैन फर्नीचर नॉट एवर थिंग, और साथ में जो है चाय का धमाल भी हो जाएगा, आपको चाय मिल जाएगा। तो देखिए साथ में मित्र दीपक है और हम लोग अब वापसी हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हम चल रहे हैं। तो ये है आपका मेट्रो स्टेशन जो कि अब हम पकड़ने जा रहे हैं मेट्रो बादशाह नगर। दीपक है और देखिए आ चुका है मुंशी पुलिया वाला मेट्रो जाएगा आपका उस साइड में। दीपक का मैं फोटो भी ले रहा हूँ, कह रहा है कि दीपक की जरा एक मेट्रो के साथ में ये मेट्रो नाइट मेट्रो आ चुका है, खूबसूरत मेट्रो है ना। अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो वहाँ देखेंगे कि जो मेट्रो हैवी मेट्रो होता है और देखिए इंटीरियर ये है मेट्रो का ये, ठीक है। तो हमारा मेट्रो वहाँ से चल चुका है और हम चल रहे हैं बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारा ट्रेन है शाम को 4:35 पर, मतलब 4:30 पे, ठीक है। तो इंटीरियर लेकर फ़ोटो खिंचाने का मौका मिलता है तो पक्का मैं खिंचाता हूँ। और ये देखिए दिल्ली मेट्रो में इतना भीड़ होता है उतना लखनऊ मेट्रो में भीड़ नहीं होता है। और चार स्टेशन का किराया मोटा मोटी 20 रुपये एक आदमी का, ठीक है। तो देखिए ये लोग, अगर आपको भी लखनऊ आना हो तो आप भी लखनऊ के मेट्रो से सफ़र करिए और हॉचपॉच नहीं होगा, मतलब बाहर ऑटो के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे, केयर नहीं करते हैं और मतलब बहुत अंतर नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। शाम के 4:30 बज रहे हैं और लखनऊ हमने जो काम था वो कर लिए, अब निकल अपने घर की तरफ। देख सकते हैं कि ट्रेन पर स्टेशन भीड़ ज़्यादा है और 10-5 मिनट के अंदर ट्रेन आ जाएगा लखनऊ इंटरसिटी, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बनाकर मैंने आपको लखनऊ तक टूर करवा दिया है, गोंडा रेलवे स्टेशन है वहाँ का सीन है ये। ट्रेन हमारी खड़ी है गोरखपुर लखनऊ, लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी 1:25:32। बहुत सारे लोग मिले लखनऊ से गोरखपुर जर्नी के अंदर और मैंने बताया उन लोगों को कि मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो कुछ लोगों ने मेरे वीडियोस को खोल करके चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं। तो देखिए ये पूरा ट्रेन खाली हो रहा है, लोग धीरे उतरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये अब लोग बाहर जाने की चिंता हो गई है, देखिए कितना भीड़ एकदम है ना। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर जब भीड़ में रहिए ना तो आप मास्क पहन लीजिए, तो मैं भी जब भीड़ में जा रहा हूँ तो मास्क पहन ले रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मास्क उतार ले रहा हूँ, ठीक है। तो गोरखपुर ट्रेन पहुंच चुकी है और सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखिए लखनऊ से गोरखपुर आ चुके हैं, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। तो बड़ा शानदार सफ़र रहा और एक दिन के अंदर ही आप लखनऊ जाइए, मतलब 250 किलोमीटर जाइए और 250 किलोमीटर वापस आ सकते हैं। सवेरे हमने लगभग 5:30 बजे ट्रेन पकड़ा था गोरखपुर इंटरसिटी और शाम को 4 बजे चलती है, 4:05 पे चारबाग से, और हम लोग 9:30 बजे मतलब 10 बजे इस समय हम गोरखपुर पहुँच चुके हैं, अब घर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अच्छा रहा टूर और मैंने आपको जो दिखाया वो ट्रेन के माध्यम से और आपने भी एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो आ सकती है दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीडियो।